નમસ્કાર, વડોદરા ન્યૂઝ નેટવર્કમાં આપનું સ્વાગત છે. સીબીએસઈ ધોરણ 12ના પરિણામ જાહેર થઈ ગયા છે. પરિણામ વિશે તેમજ વિદ્યાર્થીઓએ આગળ શું કરવું જોઈએ આજે આપણે તેના ઉપર ચર્ચા કરીશું અને તેની માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે આઈપી ટ્યુટોરિયલ્સથી પૂર્વિશા. પૂર્વિશા, સૌથી પહેલાં તો VNNમાં આપનું સ્વાગત છે. મેરા પહેલા સવાલ, સીબીએસઈ બોર્ડ કે જો રિઝલ્ટ આયા હૈ સુપ્રીમ કોર્ટ કે કહેને કે બાદ આપકી ઉસ પે ક્યા રાય હૈ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए कि मैं अपने जो विचार हैं और जो मेरी सोच है वो मैं एक लार्जर ऑडियंस तक लेके जा पाऊँ. और VNN एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बन गया है आज. वडोदरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है VNN पे. जो भी न्यूज़ आती है VNN जो भी एफर्ट करता है पब्लिक को और लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए और एक अनबायस्ड अप्रोच है, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देने का जो तरीका है मैं उसको बहुत ज़्यादा सराहती हूँ. और आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं आज इस मंच पे हूँ. तो हाँ, कमिंग बैक टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि CBSE का जो रिज़ल्ट आया है कल, उसके बारे में मेरी क्या सोच है. CBSE का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, इफ़ आई हैव टू जस्ट give one line, it is a very very motivating result. बच्चों को बहुत ही ज़्यादा motivate करेगा ये result. और COVID जैसे environment में जहाँ पर बहुत ज़्यादा negativity फैल गई है, बहुत ज़्यादा uncertainty फैल गई है, बच्चों का काफ़ी अच्छा result आया है. जो अभी तो कोई city topper के हिसाब से तो कुछ है नहीं, पर जो highest result है आज पूरे वडोदरा सिटी में वो एक लड़की का है, वंदिता मल्होत्रा करके, सिग्नस की लड़की है. शी इज़ स्कोर 97.2%. लड़कियां हमेशा बाजी मार जाती हैं, ये नहीं है कि लड़के नहीं कर पा रहे हैं, लड़के भी बहुत अच्छा, लड़कों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, पर काफ़ी लंबे टाइम से हम देखते जा रहे हैं कि लड़कियाँ बाजी मार रही हैं. तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है. काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके 90% के ऊपर मार्क्स आए हैं. और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फैला रहा है हमारे स्टूडेंट्स के प्रेजेंट सिचुएशन. तो मैडम, कोरोना की वजह से इस बार सभी बच्चों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी, तो किसी के 3 पेपर या 4 पेपर कंप्लीट हुए थे, तो इस बारे में बच्चों की क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इट इज़ समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा बच्चों के बारे में बात करें. कि जैसे कि मैं एक कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं उसको लेकर बात करूँगी. जैसे BS का जो पेपर था वो रह गया, तो काफ़ी लंबे समय तक बच्चे काफ़ी असमंजस में रहे कि ये पेपर होने वाला है नहीं होने वाला है, प्रेपरेशन करनी है प्रेपरेशन नहीं करनी है. और इसमें हुआ क्या कि बच्चों को पता नहीं था कि उनको अपने जो बचे हुए पेपर हैं उनके लिए प्रिपेयर करना है या फिर आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. तो ये इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे और बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी, क्योंकि हमेशा अलग अलग न्यूज़ आती थी. कभी कोई बोलता था कि 15 जुलाई के बाद एग्ज़ाम्स होने वाली है, कभी कोई बोलता था कि 15 जुलाई के बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं. तो क्या है कि बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग न्यूज़ आने के वजह से बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में रहे. और उसके बाद में गवर्नमेंट ने, CBSE ने जो स्टैंड लिया कि हम अब एग्ज़ाम्स नहीं लेने वाले हैं और बेस्ट ऑफ 3 के मार्क्स लेकर उसका एवरेज निकाल के जो भी पेपर्स बचे हैं उसके मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे, तो ये कुछ बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे कॉलेजेस में जाने वाले थे उनके लिए काफ़ी राहत थी. पर हाँ, जो बच्चे मेरिट के बेसिस पे कोई प्योर कोर्सेज करना चाहते थे उनके लिए ये एक दिस डिसीजन वॉज आई थिंक सो नॉट इन देयर फेवर, राइट? काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यू नो, बच्चे जो थियोरी में अच्छे होते हैं वो सोचते हैं कि चलो अकाउंट्स का पेपर है वो तो वैसे भी मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे अपने जो मार्क्स हैं वो मैं थियोरी सब्जेक्ट में खींच लूँगी. पर अब थियोरी सब्जेक्ट ही नहीं हो रहा है, अकाउंट्स में तो वैसे भी मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, अब तो फिर किस तरह से मेरा रिजल्ट बेटर हो पाएगा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसके लिए तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई, वो तो पेपर ही मैं नहीं दे पाई. तो हाँ, ये ऐसे मिक्स्ड रिव्यूज़ आएंगे आपके पास और ऐसा मुझे लगता है कहीं पे मिक्स्ड बच्चे फील करते हैं. मैम, 12th को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार बच्चे परीक्षा नहीं दे सके हैं, तो
तो आगे अब उनको क्या स्टडी करनी है, उनसे रिलेटेड वो क्या सोचते हैं या क्या तकलीफें आ रही है, आप उनके बारे में कुछ बताइए। आप जो बात कर रही है, जो कोरोना संकट आया है, द पेंडेमिक विच वी ऑल आर एनकाउंटरिंग राइट नाउ, विच वी ऑल आर फेसिंग राइट नाउ, इसमें हम डिबेट कर सकते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स बेचारे इतने तकलीफ में हैं, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि डिबेट करने से या डिस्कशन करने से तो प्रॉब्लम जाने नहीं वाली है, तो यहीं पर रहने वाली है और ऐसा लग रहा है कि ये लंबे टाइम तक रहेगी। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि नाउ स्टूडेंट्स हैव टू गियर अप फॉर ऑनलाइन स्टडीज। इसके फायदे हैं, इसके नुकसान हैं, ये तकलीफें हैं, ये दिक्कत है, ये सारी चीज़ों को बाजू पे रख के बच्चों को अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा टू गेट इनटू दिस ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडीज फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि फ्यूचर में कॉलेजेस भी ऑनलाइन हो जाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ के बच्चे हैं, कब तक स्टे पे रहेगा? बिकॉज देखो इकोनॉमी को तो रोल करना है, 1 लाख से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बराबर है, तो इनको रोल तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनके यूनिवर्सिटीज़ इनके कॉलेजेस स्टार्ट होंगे और पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई को तो ऑनलाइन ही होना पड़ेगा। अब हमको वो एक 10 इंच के बॉक्स में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? तो मुझे कहीं पर लगता है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ नीड टू स्टार्ट गियरिंग अप फॉर इट। इंफ्रास्ट्रक्चर घर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल पे वो पढ़ाई नहीं हो सकती, आपके पास एक छोटा स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हैव टू गियर अप विद देयर गैजेट्स, वाईफाई के कनेक्शंस हमारे घर पे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, पर कितने लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे या कर पाते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग डिबेट है। तो हाँ, आइडियली तो वी हैव टू नाउ गियर अप फॉर आवर ऑनलाइन स्टडीज, स्टडी फ्रॉम होम, पर ये कितना अफोर्डेबल है, ये कितना फिजिबल है, एक अलग लेवल का डिबेट है जो शायद हम आज नहीं कर सकते। पर हाँ, मेरे हिसाब से वी नीड टू गियर अप फॉर आवर ऑनलाइन स्टडीज, एंड रादर देन डिबेटिंग जस्ट गियर, सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी जी, जैसे आपने बताया कि बच्चों के एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं उसके बाद बच्चों के एडमिशन्स होते हैं, लेकिन इस बार जब एडमिशन हो गया है तो ये रिजल्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं। आप क्या मानती है इसके बारे में? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट, बिकॉज काफ़ी बच्चे हैं, मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करूंगी, जिनके अपने अपने एडमिशन्स एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे हो गए हैं। हाँ, उन बच्चों को दिक्कत होगी जो शायद किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं या फिर उनका रीटेस्ट आने वाला है, कंपार्टमेंट है, उन बच्चों को शायद अब आगे दिक्कत हो सकती है। पर जो बच्चे पास हो गए हैं, अब उनके 50 हो, 60 हो या 80 हो, उनको एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे उनके हर एक जगह पे जो एडमिशन्स होनी थी वो हो गई हैं। तो हाँ, अब तो रिजल्ट बस एक फॉर्मेलिटी ही है, मतलब इसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं रहा है। डेफिनेटली येस, जो बच्चे प्योर करियर्स लेना चाहते हैं, जैसे यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू वॉन्ट टू गेट इन टू लॉयला यूनिवर्सिटी, यू वॉन्ट टू गेट इन टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये सारे जो कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया आज माने जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। उन लोगों के लिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने करते हैं, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है। जैसे श्रीराम कॉलेज है, वो श्रीराम कॉलेज में कट ऑफ इज 97-98, तो आपका रिजल्ट आएगा तब आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो हाँ, जो लोग प्योर करियर्स करना चाहते हैं, मेरिट बेसिस पे जिनके एडमिशन होते हैं, उनके लिए रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ पेपर। पर हाँ, जो लोग BBA करना चाहते हैं या जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके एग्जाम्स भी हो गए हैं, उनको एग्जाम एडमिशन्स भी कॉलेजेस ने दे दिया है, तो उनके लिए फॉर्मेलिटी। जो बच्चे फेल हो रहे हैं या जो बच्चों के कंपार्टमेंट आए हैं, हम बस उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके जो एडमिशन होंगे वो होल्ड कर लिए जाएंगे, राइट? अगर उनको मिल भी गया तो भी उसको होल्ड कर लिया जाएगा, जब तक वो आगे पास नहीं होते तब तक वो आगे अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू नहीं कर पाएंगे। पर अब ये भी दूसरा सवाल है कि जो लोगों के रीटेस्ट आए हैं या जो लोग फेल हुए हैं, उनकी एग्जाम कैसे होगी? क्या ऑनलाइन एग्जाम CBSE लेने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम्स होंगी, ओपन बुक टेस्ट होगी? दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट? तो वो ये एक सवाल दोबारा खड़ा का ही है। पूर्वी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्या कहना चाहेगी इस सिचुएशन को लेकर, और आप एक एजुकेशनलिस्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में एजुकेशन आगे किस तरह से चलना चाहिए? ऐसे माहौल में एजुकेशन किस तरह से चलना चाहिए? हाँ, मैं डेफिनेटली अपना ओपिनियन दे सकती हूँ।
कहीं पे मुझे ऐसा लगता है, मैं एक तो मेरी टिप्पणी भी है एक बहुत, और मेरा कहीं पे मेरी एक कंप्लेन भी है गवर्नमेंट के लिए, कहीं पे मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली गुजरात गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन एक बहुत लास्ट प्रायोरिटी है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। ये जो पेंडेमिक है वो अलग अलग तबके के लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया है। इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, हम आज भी एक बॉर्डर लाइन थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पर हम एक बॉर्डर पे है, डेवलपिंग कंट्री भी है और हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री की भी है। आप झारखंड चले जाएँ, आप वेस्ट, आप ईस्ट में चले जाएँ, आप काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज में चले जाएँ, तो वी हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। नाउ ये पेंडामिक में एजुकेशन कैसे डिलीवर होना चाहिए, तो हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, पर एक ही चॉइस है, ऑनलाइन आपको पढ़ाई घर पे बैठ के करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करनी चाहिए। आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पर मैं ऑनलाइन क्लासेस के कॉस्ट के बारे में बात करूँगी। आज अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़े, तो उसके पास एक स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा उसके पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट पैकेज होना ज़रूरी है, वो डेटा हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, और मिनिमम घर पर एक छोटा प्रिंटर होना ज़रूरी है। इसके बिना आप इफ़ेक्टिवली ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। आज कितने लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चे के लिए अलग फोन रखें, कितने पेरेंट्स ये अफोर्ड करते हैं? मैं डेस्कटॉप लैपटॉप की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आइडियली अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10 इंच का स्क्रीन होना चाहिए, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, ताकि आपकी आंखों को तकलीफ ना हो, आपके आप इफेक्टिवली हर एक जो मटीरियल है वो मटीरियल को आप देख सकें, आपको जूम कर करके ना देखना पड़े। ये कितने लोग हमारे इंडिया में अफोर्ड कर पाएंगे, तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरा, देर इज़ नो रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेस। कुछ स्कूल्स हैं जो 6 घंटे की भी क्लासेस लेती हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो 2 घंटे की भी क्लासेस लेती हैं। कहीं पे मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस को लेके कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज आप एक छोटे से नर्सरी के बच्चे को या फिर प्रॉबेबली जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चे को 2-2 घंटे स्क्रीन के सामने बिठा रहे हो और उसको पढ़ा रहे हो, उसको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं, तो पढ़ाई तो उसकी नहीं हो रही, उसके पेरेंट्स की हो रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें, जैसे घर पे 2-2, 3-3 बच्चे हैं किसी के, सबके साथ में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके पास एक साथ 3 फोन्स फ्री या 3 गैजेट्स फ्री कैसा पॉसिबल है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और बच्चों के ऊपर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो भी कोई सोच नहीं रहा है। मुझे लगता है जिसके बारे में तर्क वितर्क होना बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, वी नीड टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट, एंड वी फर्स्ट नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट इट। आज हम सब लोग एक मैक्रो पिक्चर देख रहे हैं, स्कूल्स कैसे चलेंगी, यूनिवर्सिटीज़ कैसे चलेंगी, एक हाउ विल द एंटायर बॉल स्टार्ट रोलिंग इन द इकोनॉमी, बिकॉज हाउ कैन वी पे देम, सारी बात सही है, पर मैं ये सोच रही हूँ इन सब में वी आर पुटिंग आवर चिल्ड्रन टू बिगर हार्म, बिकॉज साइकोलॉजिकली आज बच्चा ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज आज कितने बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ कोप अप कर पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। आज फिजिकल टीचिंग में बच्चों को समझने में इतनी दिक्कत आती है, ऑनलाइन में तो कितनी ही आती होगी। आज एक 40 जन का क्लास है, उसमें कितने बच्चे हाईली मोटिवेटेड होते हैं जो आज एक ऑनलाइन स्टडीज़ की कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे? इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और छोटे छोटे बच्चों के साथ तो दिक्कत ही अलग हो रही है। दे आर फेसिंग अर्ली एज माइग्रेन्स, बच्चे पढ़ने के बाद, ऑनलाइन पढ़ने के बाद दे आर कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक्स। छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, दे आर कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक्स, दे कंप्लेनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इमीजिएटली आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर दे फील स्लीपी, दे फील ड्राउजी। चिल्ड्रन हु आर ऑफ 5 years, 6 years, दे आर कंप्लेनिंग, देयर पेरेंट्स कंप्लेन ऑफ एक्सट्रीम इरिटेशन एंड हाइपर बिहेवियर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस। आई थिंक सो, अगर हम सेंसिटिव हैं इसको लेकर, अगर गवर्नमेंट सेंसिटिव इसको लेकर है, तो डेफिनेटली इसको लेके एक डिबेट, एक डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन कर दिया है ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कर्नाटका गवर्नमेंट ने टिल 5th स्टैंडर्ड क्लासेस बैन कर दिए हैं, तो या देर आर गवर्नमेंट्स हु आर टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस, राइट? एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है कि टिल क्लास 2 आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद में आप 1.5 to 2 hours की क्लासेस करा दीजिए। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको ऑनलाइन पढ़ाना ज़रूरी है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे आज वही कर रहे हैं, सिर्फ फीस के लिए या फिर एक एक
मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, हम अगर एक बार ये चीज को बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे तो हम इसके बारे में सोल्यूशन ला पाएंगे. एंड डेफिनेटली यस, हम ये भी गवर्नमेंट तर्क वितर्क कर सकती है कि किस तरह से स्कूल्स चलेंगे. सो दिस इज माय ओपिनियन ऑन हाउ शुड वी कंडक्ट ऑनलाइन एजुकेशन. आपका खूब खूब धन्यवाद पूर्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये थे आईपी ट्यूटोरियल से पूर्वी शाह हमारे साथ. अभी जो एजुकेशन को लेकर करंट सिचुएशन चल रही है ये थी उस पर ही एक चर्चा. तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आपके क्या विचार हैं और हमें ये बात कमेंट करके ज़रूर बताइए.